नमस्कार, स्वागत है आप सबों का। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं चटपटी और बहुत झट से मिनटों में बनने वाली पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत जल्दी बनती है और बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए हम वीडियो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ पनीर ले लिया है। मैंने उसमें थोड़े से हल्दी पाउडर लगभग हाफ टी स्पून डाला है। हाफ टी स्पून ही मैंने इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल दिया है। और नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और इसमें अगर आपके पास चाट मसाला हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, हाफ टी स्पून। उससे एक बढ़िया सा टेस्ट आता है। फ़िलहाल मेरे पास नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया है। अब हम इसमें प्याज को मैंने छोटे छोटे बारीक काट लिए हैं। टमाटरों को भी मैंने छोटे छोटे काटे हैं। प्याज और हरी मिर्चों को भी। ये सभी चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, क्योंकि इसमें प्याज टमाटर से ही इसका जो है टेस्ट आता है। तो अब मैंने कढ़ाई लिया। कढ़ाई में मैंने एक टेबल स्पून ऑयल डाल दिया था। पहले मैंने ज़ीरा डाला, उसके बाद हम प्याज को थोड़े से सॉटे कर लेंगे। थोड़े से जब गुलाबी हो जाएंगे तो हम मिर्च और टमाटरों को भी ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से सॉटे करके हम थोड़े से पिंक कलर कर देंगे। अब हम मिर्चों को डाल देते हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। मिर्च पसंद नहीं है तो आप बस एक ही मिर्च डालिए। हम तो थोड़े ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, इसलिए मैंने मिर्चों को डाला है अच्छी तरह से। और टमाटरों को भी डाल दीजिए। टमाटर भी अपने आप दो से तीन टमाटर ले सकते हैं, क्योंकि प्याज टमाटर मिर्च इसी से जो है ना इसका बढ़िया सा टेस्ट हो जाता है। और सब्ज़ी जितनी सिंपल हो ना उतनी टेस्टी होती है। तो अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें हम थोड़े से नमक भी ऐड कर देते हैं ना, क्योंकि इनको भी तो इनका भी तो टेस्ट आना चाहिए, नमक में भी जाना चाहिए। तो अब हम इनको अच्छी तरह से थोड़े पका लेंगे ताकि थोड़े गल जाए। मैंने आँच को कम कर दिया है, थोड़े गल जाने चाहिए। अब हम इसमें थोड़े से हाफ टी स्पून दोबारा से हमने हल्दी पाउडर डाला, हाफ टी स्पून। इस वक्त मैंने इसमें कश्मीरी चिल्ली का पाउडर डाला है, क्योंकि हम कलर के लिए ऐड कर ले रहे हैं, सिर्फ कलर के लिए। और हमने मैरिनेट किया हुआ हमारा पनीर को ऐड कर दिया है। तो देखिए बन गई ना पनीर की सूखी सब्ज़ी, बहुत टेस्टी होती है। चावल के साथ भी बहुत अच्छी जाती है। वैसे आप अगर वेज पुलाव बनाते हैं तो उसमें ये सब्ज़ी बहुत अच्छी जाती है, और चपाती के साथ भी अच्छी लगती है। और यहाँ पर मेरा बेटा क्या करता है, ब्रेड के बीच में रखकर वो सैंडविच बनाकर भी खा लेता है। वैसे भी आप कर सकते हो, तो बहुत टेस्टी है। अब हमारी सब्ज़ी तैयार है। इसको हम थोड़े से गार्निश कर देंगे, थोड़े से धनिया पत्ता डाल देंगे तो थोड़ी सा खुशबू और टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। तो बन गई ना मिनटों में हमारी सब्ज़ी। तो आशा है आप सभी इसे पसंद करेंगे। तो कृपया मुझे सब्सक्राइब कीजिए। हर बार मैं बोलती हूँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप सबों का दिल से शुक्रिया, सबों को धन्यवाद। कल मिलते हैं।